हेलो दोस्तों, मेरा नाम अतुल पुरी है। आप सबका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको अपने चैनल पे इस वीडियो के माध्यम से एक लोन के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अतुल पुरी है। आप सबका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको अपने चैनल पे इस वीडियो के माध्यम से एक लोन के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है। दोस्तों, इस लोन का नाम है सेवानिधि। सेवानिधि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। दोस्तों, जो लोग जो हमारे देश में स्ट्रीट वेंडर होते हैं, जो ठेलों पे सब्जियां बेचते हैं, जो फेरी साइकिलों पे लगाते हैं और भी जो फेरी के माध्यम से काम करते हैं, उन लोगों के लिए यह लोन गवर्नमेंट की तरफ से निकाला गया है। इस लोन का मकसद है जो कोविड 19 के बाद जो परिस्थितियां बदली हैं, जिसकी वजह से जो छोटे व्यापारी थे, जो फेरी के माध्यम से काम किया करते थे, उनको बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा और उनको जो कार्य था उसमें बहुत ज़्यादा रुकावटें आई हैं और उनको दोबारा काम शुरू करने के लिए लागत नहीं है उनके पास पैसा लगाने के लिए। तो उस सपोर्ट के लिए ये गवर्नमेंट ने लोन निकाला है और ये उन लोगों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। कारण इसलिए क्योंकि कोई भी बैंक और कोई भी NBFC कंपनी इन लोगों को लोन प्रोवाइड नहीं कराती है, क्योंकि वो उनकी कैटेगरी में, जो बैंक NBFC जो होते हैं उनकी कैटेगरी में ये लोग नहीं आते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटस इनका बहुत लो होता है, जिस कारण से इन लोगों को लोन वहां से नहीं मिल पाता है अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। तो देखा जाए तो ये लोन बहुत अच्छा है इन लोगों के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि ये लोन किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है और कैसे अप्लाई होगा, कहाँ पे अप्लाई होगा यह लोन और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या फॉर्मेलिटीज हैं, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है और कितने रुपए का ये लोन है और भी जो भी जानकारी है वो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। और इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस लोन के बारे में। इस लोन की जो राशि है वो 10,000 रुपये है और इसकी जो वैधता है वो 1 साल के लिए है। इसकी जो किस्त है वो 946 रुपये की किस्त है दोस्तों और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 24% सालाना, 2% मंथली। दोस्तों, इसके अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर 7% की गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है। ये बहुत अच्छी बात है, इसमें सब्सिडी भी मिल रही है। और अगर देखा जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसका बिल्कुल फ्री है और खाली आपको एक तरीके से देखा जाए 10,000 रुपये ही जमा करने हैं साल के अंदर। अब हम बात करते हैं आगे की, इस लोन को हम लेंगे कैसे। दोस्तों, इस लोन को लेने के लिए एक फॉर्म होता है जो आपको पूरा फिलअप करना पड़ता है, जो भरना पड़ता है, जिसमें आपके घर का एड्रेस भरना पड़ता है, जिसमें आपको यह जानकारी भरनी पड़ती है कि आपका नाम क्या है, आपकी जन्म तिथि क्या है और आपका आधार कार्ड नंबर और आपके बैंक की डिटेल और आप क्या काम करते हैं,
कहाँ काम करते हैं, किस शहर में, शहर में किस जगह काम करते हैं, वो सारी डिटेल आपको इस फॉर्म के अंदर भरनी पड़ती है। और इसके साथ आपको फोटोकॉपी आधार कार्ड की और बैंक पासबुक के फ्रंट पेज की फोटोकॉपी इसमें आपको लगानी पड़ती है। चार फोटो लगानी पड़ती है, दो फोटो फॉर्म के अंदर चिपकती हैं और दो फोटो आपको उसके साथ पिनअप करनी पड़ती है। फिर आप ये फॉर्म ले जाके जो भी आपकी लोकल नगर निगम होगा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होगा, या आपके अगर पंचायत है, अगर वहां पे नगर पंचायत है तो वहां पे आप जाके इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं। वहां पे जमा करने के लिए जब आप जमा करने जाएंगे तो वहां पे एक रसीद कटेगी जो 100 रुपए की रसीद होगी, 200 रुपए की होगी। 100 रुपए की रसीद उन लोगों के लिए है जो SC ST और OBC कैटेगरी के अंदर आते हैं, और जो जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं उनके लिए 200 रुपए की रसीद वहां पे कटती है। जो रसीद आपको दी जाएगी, उस रसीद के कटने के बाद आपको दूसरी डेस्क पे जाना होता है, जो वहां पर ही जो रसीद काटेगा वही आपको बता देगा कि आपको किस डेस्क पे जाना है। जब आप वहां पर जाएंगे तो वो आपका रजिस्टर में वहां पर पूरी एंट्री करेगा आपका, आप क्या काम करते हैं, आपसे सारी जानकारी लेगा और उस फॉर्म को अपने पास रखेगा और उसके साथ आपको एक नगर निगम का सर्टिफिकेट भर के देगा और एक आई कार्ड देगा उस फॉर्म के साथ लगा के। फिर वो बताएगा आपको, एक कंप्यूटर वाला होगा वहां पे, कंप्यूटर कक्ष होगा, आपको वहां पे जाना पड़ेगा। वहां पे जाने के बाद जो कंप्यूटर कक्ष में जो बंदा होगा आपकी ऑनलाइन आधार कार्ड की वेरिफिकेशन करेगा, आपकी वेरिफिकेशन करेगा कि आप वही व्यक्ति हैं या नहीं है जो लोन के लिए अप्लाई करने आए हैं। थंब इम्प्रेशन द्वारा वह पूरी पुष्टि करेगा। उसके बाद आपका ऑनलाइन वो लोन की एप्लीकेशन अप्लाई करेगा और सारी जानकारी देने के बाद वो जो आपका हमने बैंक की डिटेल दी है उस बैंक के अंदर आपका लोन की रिक्वेस्ट वो ट्रांसफर कर देगा। फिर आपको वो आपका जो सर्टिफिकेट है नगर निगम से, जो आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ काम करने के लिए, वो आपको देगा और आपका आई कार्ड आपको देगा। उस आई कार्ड पे और उस सर्टिफिकेट पे आपको नगर निगम या जिला पंचायत या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मोहर जरूर लगवानी है उस पे, उसकी वो जब भी वैलिड है आपके लिए, और ये 5 साल के लिए दोस्तों वैलिड होगा जो आपको नगर निगम की तरफ से कार्ड दिया जाएगा। इस तरीके से आपका लोन अप्लाई होगा और जो इसका लोन का पैसा है वो आपके अकाउंट के अंदर कम से कम एक हफ्ते के अंदर आता है, और उसके लिए आपको बैंक में भी एक बार जाके मिलना होता है और उसे आपको कार्ड को भी जो आपको वहां से नगर निगम से मिला है वो भी आपको एक बार दिखाना पड़ेगा उसे, और हो सकता है वो बैंक वाले आपसे दो एक फॉर्म भरवाएं जो एक नॉर्मल फॉर्मेलिटी होती है कोई भी लोन लेने के टाइम पे भरवाना पड़ता है, तो वो हो सकता है कुछ कागज वगैरह आपका भरवाएं या फोटो वगैरह लें। देन एक हफ्ते के अंदर लोन नॉर्मली अकाउंट के अंदर आ जाता है। इस लोन की एक खास बात है दोस्तों कि इसमें NPA कभी मत होना, 1 साल तक पूरा लोन की किस्तें भरना, उसके बाद दोबारा आपको अगर लोन की जरूरत है तो आपको और भी लोन, और भी अमाउंट, और भी पैसा आपको बढ़ के इसमें मिल सकता है। और इसमें जो अगला लोन अप्लाई करना होगा वो CSC सेंटर के माध्यम से दोस्तों अप्लाई होगा। इसके अंदर साफ साफ दिया गया है कि आप जो है अगला लोन जो भी अप्लाई करेंगे वो CSC सेंटर पे जाके आपको लोन अप्लाई करना होगा। और दोस्तों इसके अंदर दिए गए हैं, वैसे उन्होंने बताया है, मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन लोन, कौन कौन इसमें लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। ये इन्होंने बताया है, ये पूरा दे रखा है इन्होंने। चाय वाले भी हैं इसमें दोस्तों जो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चार चाय वाले हो गए, सब्जी वाले हो गए, फ्रूट्स वाले हो गए, रेडी जो लगाते हैं है ना, और कपड़े वगैरह बेचते हैं, एक के जो घर में अंडों का ठेला लगाते हैं वो भी, ब्रेड्स वाले भी, ब्रेड्स पकौड़ा, ये लोग भी इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फुटवेयर वगैरह हो गए, और दोस्तों से पान पान की दुकान हो गई वो भी इसमें लगाते हैं, और जो नाई नाई का काम करते हैं, बार्बर वगैरह होते हैं, शॉप्स होती हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए। तो दोस्तों ये लोन बहुत अच्छा और बहुत कारगर है,
गवर्नमेंट की तरफ से जो सुविधा इनको दी गई है। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप ये लोन के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और जिनको इसकी ज़रूरत है उनको ज़रूर बताएं, चाहे वे गांव के अंदर हैं या शहर के अंदर हैं। आपको लगता है उनको मिलना चाहिए तो प्लीज़ उनको यह जानकारी ज़रूर दें। यह लोन 24 मार्च तक के लिए वैलिड है, 24 मार्च तक, 24 मार्च तक इसकी अंतिम तारीख है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और जो ज़रूरतमंद हो उनको ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दी गई बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।